तो फोन नॉट माई फोन। भाई हम आ गए पुलिस स्टेशन पे और जा रहे हैं फोन जमा करने पुलिस को। और भाइयो ये देखिए बुकिंग आ गई, अभी 4 किलोमीटर के मैं क्या करूं, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए रिसीव कर लेता हूं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने काम पे, और ये मेरी गाड़ी है, ये देखिए। तो बहुत से लोग पूछ कह रहे थे कि ब्लॉग बनाइए अपना और अपने बारे में बताइए, तो ठीक है आज हम बताते हैं अपने बारे में, हम करते हैं क्या है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगती है हमको, तो वीडियो को लाइक करिए, तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस समय अभी बज रहे हैं 6:18, तो हम आप लोग को ये बता दें हम सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, क्योंकि सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट होता है। और अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ जहाँ पे मेरा काम है। तो हम जाएंगे, सबसे पहले हमें 2 बच्चों को लेना है और बच्चों को लेके स्कूल छोड़ना है। सुबह का मेरा ये काम है, लिमोजिन का काम है मेरा। और इस पे हम ऑनलाइन भी चला लेते हैं, जब काम मेरी कॉलिंग वाला नहीं होता है तो हम ऑनलाइन चलाते हैं। ऑनलाइन हम यूज करते हैं करीम, तो उससे भी हमको कुछ कस्टमर मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का मेरा महल्ला है, आप देखिए। हाँ तो दोस्तों भैया बता रहा था, मैं लिमोजिन में हूँ और एक तरह के रेंट की कॉलिंग वाला काम करता हूँ मैं, और ऑनलाइन भी करीम यूज करता हूँ मैं, जिससे मुझे कस्टमर मिलते हैं। आ चुके हैं जहाँ से बच्चों को लेना है, बच्चे यहाँ से आएंगे, वो देखिए बच्चे आ रहे हैं। ये देखिए गुड मॉर्निंग मैम। तो दोस्तों हमने बच्चों को ले लिया और बच्चे मेरे पीछे बैठे हुए हैं दोनों, देखिए मासूम से दिखने वाले ये बच्चे सच में मासूम हैं। तो अब इनको स्कूल छोड़ेंगे। इनकी कहानी ये है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था शेफ होटल में, तो उसको उसके साथ मेरा काम था, उसको लेके जाना था, लाना था कुछ दिनों के लिए। तो उसके बाद उसने कहा कि मेरे भाई के बच्चे हैं यार, उनको भी छोड़ दो इधर 1-2 हफ्ते के लिए। उसका तो काम बंद हो गया, खैर वो उसके बाद गाड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है मुश्किल नहीं, तो मैं भी इनको लेके जाता हूँ। यहाँ पर स्कूल खुल जाते हैं सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक क्लास होती है, हर सब स्कूल का टाइम सेम होता है। तो चलिए इन लोग से इंट्रोडक्शन कराते हैं। कमिंग कम, दिस इज द लाइट, दिस इज द वर्थ, यू टेल मी समथिंग फॉर यू टेल मी योर सेल्फ। तो फोन नॉट माई फोन, माई फोन इज देयर दिस वन, मे बी सम कस्टमर फॉरगेट। यार प्रॉब्लम हो गई कार के अंदर, ये मिला है iPhone 13, ये पता नहीं किसका फोन है और कोई गाड़ी में भूल गया है। तो यार क्या करें, अब सुबह हो गई है, कल कोई भूला है, कोई कॉल भी इसमें नहीं पड़ी है, फोन साइलेंट पे लगा था। यार फोन तो रख सकते हैं, लेकिन अब मतलब सोच रहे हैं रखेंगे किसी का फोन है क्या फायदा है, क्योंकि लालच और ये गलत बात है ना। तो इसको हम वेट करते हैं अभी सुबह, मतलब 3-4-5 घंटे जब तक होता है हमसे, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। घर जाने के तक अगर फ़ोन आ गया तो जाके उसका फ़ोन दे देंगे, सीधा सलूशन है यार, फ़ोन दे दो जिसका भी है। और दूसरी बात है, अगर वो उसका फ़ोन नहीं आएगा तो हम ये फ़ोन
गाड़ी में रखे रहेंगे और जाके पुलिस स्टेशन पे दे देंगे, क्योंकि गाड़ी में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस स्टेशन में दे देंगे तो वो अपना देखेगी जिसका फ़ोन है तो दे देगी और कंप्लेन करेगा कोई। तो दोस्तों मैं फ़ोन को ऑन रख देता हूँ इधर, देखिए आईफोन 13 है तो ऑन रखा रहेगा ये। आई डोंट नो फॉरगेट सम पीपल या। तो दोस्तों मिलते हैं आगे, और अभी एक टेंशन ही बढ़ गई है फ़ोन की। मेरे दो फ़ोन हैं ये देखिए, दोनों फ़ोन यहाँ पे। अभी किसी कस्टमर का फ़ोन है। तो दोस्तों अभी क्या बोले, फ़ोन मिल गया, फ़ोन की टेंशन हो गई, आती भी आ रही है कि, लेकिन ये फ़ोन हम सच में दे देंगे, हम नहीं रखेंगे। किसी का फ़ोन रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये चोरी में भी होता है, अमानत है, और अगर वो नहीं हमको मिलेगा नहीं तो यहाँ पुलिस में दे देंगे, तो पुलिस पता लगा के दे देगी। तो दोस्तों सुबह अब देखिए ट्रैफिक बढ़ने लगा है यहाँ पे, ये देखिए ट्रैफिक बढ़ रहा है अब। और अब इसके बाद से हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, इसके बाद कोई भी सिग्नल नहीं, इसके बाद एक सिग्नल है। तो लाइट यूनिस अभी जाएंगे स्कूल, तो मैं भी वहाँ पर वीडियो खोलूँगा और बात कराऊँगा। तो अभी वीडियो बंद करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों स्कूल आ चुका है, ये देखिए ये बच्चों का स्कूल है, ये देखिए ये टीचरों की कार खड़ी हुई है, और ये देखिए गेट है। तो दोस्तों अभी इन लोग को छोड़ देंगे यहीं पे, तो ये लोग चले जाएंगे, फिर हम काम पे चले जाएंगे। ये बच्चों का स्कूल है। ओके गोइंग। तो अभी ये लोग जा रहे हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह का स्कूल है। ओके वर्ड हाय बाय बाय, मीट यू अगेन, बाय। बाय गो। तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ क्योंकि बच्चे अंदर चले जाएं। अभी तो दोस्तों अभी चलते हैं काम पे। हाँ तो दिखाते हैं आप लोग को कैसे काम करता हूँ मैं, क्या करता हूँ। तो मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ जिसमें मैंने ऐप डाउनलोड करके रखा है, ये देखिए, तो जिसमें मैंने ये करीम ऐप डाउनलोड करके रखा है, करीम। तो मैं करीम पे काम कर रहा हूँ, यानी सुबह के टाइम थोड़ा काम कर लेता हूँ, और काम बहुत अभी कम है। देखिए ये लिखा हुआ गो ऑनलाइन, तो अब हम जाते हैं ऑनलाइन। तो अब इसमें बुकिंग आएगी, अब बुकिंग देखते हैं कब आती है। सुबह का टाइम है तो बुकिंग जल्दी आ जाएगी। भाइयों ये देखिए बुकिंग आ गई। अभी 4 किलोमीटर के मैं क्या करूं, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए रिसीव कर लेता हूं। तो अभी बुकिंग रिसीव हो गई है, और ये नोटिफिकेशन चालू कर लिया। अब चलते हैं, बुकिंग जहां पे है वहां पे भी दिखा देगा कहां पे किधर से जाना है। 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है यार। हाँ तो दोस्तों जीपीएस चालू कर लिया, अभी बुकिंग का वो आ गया है, तो अब चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बनी रहिए, तो मिलते हैं आगे। ये मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये मैंने रिसीविंग कर लिया है, बट ट्रिप स्टार्ट करना, ये कस्टमर आ जाएगा तब, और ये यहाँ से 8 किलोमीटर के लमसम में जब स्टार्ट करेंगे तब शायद ये मेरा कस्टमर है। भाई हम लोकेशन में आ गए, अब करते हैं इसको फिनिश। और ये ट्रिप थी 12 किलोमीटर की, हमें लगा 5-6 किलोमीटर पता नहीं चला, लेकिन मैं देखा 19/80 का अपडेट आया है, हमने ट्रिप फिनिश कर दी। ये देखिए अब ऐसे इसमें रीडिंग आती है, आप कस्टमर अच्छा है कि नहीं, तो हमने फिनिश किया। 16 रियाल हमें मिले खाली। ओके ब्रो बाय, थैंक यू, वेलकम, हैव अ नाइस डे। भाई को भाई का ये सामने देखिए, बाय। तो दोस्तों मिलते हैं अब आगे आपसे, ठीक है। अभी हमने आपको करीम का सिस्टम दिखा दिया, करीम कैसे चलता है, और उबर भी इसी तरह चलता है, बस उबर में प्राइस थोड़ा सही है, और
उसकी जो ट्रिप है वो थोड़ा उसमें एक मतलब रेट सही है। वो करीम लेता है बस 20% शायद, और उबर 25% लेता है। लेकिन यहाँ का एक सिस्टम है, अगर आपको उबर और करीम चलाना है तो आपकी गाड़ी 5 साल के अंदर होनी चाहिए, यानी 5 साल से पुरानी गाड़ी उबर और करीम में नहीं चलती है। और अगर उबर और करीम में अगर कोई ऐसी कंप्लेन आ गई कि कुछ प्रॉब्लम कस्टमर के साथ में, तो आपका अकाउंट तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और वो कभी ऑन नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।